लगातार हर खबर राष्ट्र की आवाज पर, आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। बिहार सरकार की ओर से प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कल रविवार जमुई जिले में सीएम एवं डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार की ओर से प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव 15 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजन किया गया। बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कल रविवार जमुई जिला अंतर्गत झाझा प्रखंड के नागी नकटी पक्षी आश्रयणी में आयोजित की गई। प्रथम पक्षी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किए। कार्यक्रम में वन विभाग के सचिव दीपक कुमार झाझा, विधायक दामोदर रावत सिकंदरा, विधायक प्रफुल्ल मांझी एवं तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम उद्घाटन के उपरांत सुबह के मुखिया सीएम नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद नौका बिहार कर प्रवासी पक्षियों को करीब से देखा समझा एवं महोत्सव में लगे पक्षियों की जानकारी से संबंधित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पक्षी विशेषज्ञों की वार्ता, पक्षी दौड़, स्कूली बच्चों के द्वारा क्विज प्रतियोगिता, साइकिल रैली, वोटिंग, खो खो इत्यादि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वर कोकिला मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति में स्वर के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ऐसे महोत्सव जरूरी है ताकि वन, पहाड़, झील, झरने आदि संरक्षित हो, साथ ही साथ प्रकृति से जुड़ाव के लिए एवं पक्षियों के जीवन से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे आयोजन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। ऐसे आयोजन से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो जीवन के लिए बेहद ही जरूरी है। जमुई जिले के नागी डैम में कितना श्रेणी में पहुंचकर मुझे बेहद खुशी प्राप्त हुई है। आगे आने वाली पीढ़ियों एवं युवाओं को विशेष रुचि लेनी चाहिए। हम भी तोरे पे बैलेंस हैं। ठीक है, इसी रहिएगा, हम बना रहे हैं। एक तो ए दीपक जी, सर थोड़ा सा एक बार बाहर के भी लगाएंगे और वो तो होगा ही, लेकिन वो तो एक मौलिक चीज है। लेकिन मेरी अपनी जो समझ है कि पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ एक यहाँ की नई पीढ़ी को हम चाहते हैं कि हर चीज के बारे में, वृक्षारोपण भी हो रहा है ऐसा नहीं, इसके चारों तरफ तो है ही वन है, पहाड़ियां हैं। अब देखिए जो पहाड़ जो यहाँ के हैं कितने पौराणिक हैं, जो आप देख रहे हैं कि एक साल इतना इतना बड़ा साइज का, आप समझ लीजिए कि बहुत पुराना पर्वत, बहुत पुराना पहाड़ है, पहाड़ी है। और ये समझ लीजिए कि अपने यहाँ जो एक अनुभव है इन सब इलाकों का लेकर के, कि ये सब तो 2 करोड़ साल से लेकर के 10 करोड़ साल के बीच का इतना पुराना पर्वत पहाड़ियाँ, तो इस सब चीज़ को पर्यटक के रूप में भी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो होगी जो हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी, पृथ्वी की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, उसके प्रति पूरी समझ पैदा होगी। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत तो पर्यटन को बढ़ावा देना तो एक पहलू है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करना भी इसका पक्षी महोत्सव हर साल अब लगेंगे सर। हाँ, क्यों नहीं लगेगा, अब तो कर दिया गया। अन्य जगहों पर भी इसका आयोजन किया जाएगा, बहुत जगह है बिहार में, तो आप जान लीजिए कि 4-5 जगह ऐसा है विभिन्न जगहों पर। तो एक जगह इन्होंने शुरू किया कि सबसे बड़ा है और यहाँ पर लोग नहीं जानते थे, तो अब किया है, और अन्य जगहों पर भी इस तरह का काम आगे के वर्षों में किया जाएगा, ताकि खूब अच्छे ढंग से लोग पक्षियों के बारे में भी खूब अच्छी तरह से जानकारी रख सकें। तो पक्षी महोत्सव सर हर वर्ष यहाँ आयोजित किया जाएगा? पक्षी महोत्सव की शुरुआत कर दी गई तो आप समझ सकते हैं।